हेलो फ्रेंड्स, एलवेरा के प्लांट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एलवेरा का जो प्लांट है वो कितना कॉमन प्लांट है और हम सबके घर में एलवेरा पाया जाता है। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एलवेरा का जो प्लांट है वो कितना यूज़फुल है और कितना गुणकारी है, पर एलवेरा के फूल के बारे में कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि एलवेरा का जो फ्लावर है वो बहुत मुश्किल से आता है एलवेरा के प्लांट में। अगर आपके पास कोई नया एलवेरा का प्लांट है, जैसे कि ये मेरा एक साल पुराना एलवेरा का प्लांट है और देखिए आप, इसमें कोई फ्लावर नहीं है, तो एलवेरा का जो फ्लावर है वो किसी भी नए प्लांट में नहीं आता है। जो एलवेरा का बहुत पुराना प्लांट होता है उसी में एलवेरा के फ्लावर निकल कर आते हैं। ये जो मेरा प्लांट आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये तकरीबन 4 साल पुराना प्लांट है मेरे पास एलवेरा का, और पिछले साल भी इसमें फ्लावर आया था और इस साल भी इसमें ये दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं आपको। एलवेरा का जो फ्लावर है वो 3 से 4 साल पुराने प्लांट में ही निकल कर आता है, ये नए प्लांट में निकल कर नहीं आता है। जो पुराना प्लांट होता है एलवेरा का उसी में आपको एलवेरा के फूल दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, जो एलवेरा का फ्लावर होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही गुणकारी है एलवेरा का प्लांट हमारे लिए। कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए। एलवेरा के प्लांट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एलवेरा का जो प्लांट है वो काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलवेरा के प्लांट में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हमें कहीं चोट लग जाए या फिर हमारे शरीर के किसी हिस्से पर कट लग जाए तो एलवेरा की जेल को लगाने से वो बहुत जल्दी हील हो जाता है, क्योंकि एलवेरा में एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये एक बहुत ही बढ़िया पेन किलर का भी काम करता है। ये सूजन और दर्द को ठीक करने में भी बहुत ही मददगार साबित होता है हमारे लिए। एलवेरा के जेल को खाने से पेट की काफ़ी सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगर हमारे पेट में आंतों में सूजन की समस्या है तो एलवेरा के जेल को खाने से आंतों की जो सूजन है वो ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जोड़ों की समस्या होती है, तो एलवेरा एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाला प्लांट है। अगर कहीं पर सूजन है जोड़ों में और दर्द हो रहा है तो एलवेरा के जेल की मालिश करने से जो सूजन है और दर्द है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन का काम करता है और हम सबके घर में ये अवेलेबल होता है और बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में पता ही नहीं होता। एलवेरा का प्लांट त्वचा रोग में बहुत ही लाभकारी है। इसके इस्तेमाल से मुहासे और झाइयाँ बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती हैं। अगर इसके जेल का इस्तेमाल बालों के लिए किया जाता है तो बालों से डैंड्रफ और बालों के झड़ने की जो समस्या है उसको बहुत ही आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर है हमारे बालों की सभी समस्या के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम बात कर रहे थे कि एलवेरा किस किस चीज़ में बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, एलवेरा हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है, पर जो एलवेरा का फ्लावर है एलवेरा से ज़्यादा गुणकारी होता है। एलवेरा के फ्लावर में अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसको क्रश करने से, इसको तोड़ने से इसमें एक लिक्विड निकलता है जो कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही गुणकारी है हमारे लिए। कहीं चोट लग जाने पर या कट जाने पर अगर हम इसके फ्लावर के रस को निचोड़कर लगा दें तो वो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। शायद कम ही लोग जानते हैं कि जो एलवेरा का फ्लावर है इससे बीज भी निकल कर आते हैं। अगर आपके पास एलवेरा का फ्लावर है तो आप एलवेरा के फ्लावर से बीज भी इकट्ठा कर सकते हैं और इसके बीज से नए प्लांट भी उगाए जाते हैं, क्योंकि एलवेरा के जो बीज हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको जो कलेक्ट करने का तरीका है वो ये है कि आप यहाँ आप एलवेरा के फ्लावर पर ऊपर से नीचे तक यहाँ तक एक पॉलीथीन बांध दीजिए और जब ये फ्लावर सूख जाएंगे तो इसके जो बीज हैं वो झड़ करके पॉलीथीन में इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे आप बाद में आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। एलवेरा का जो फ्लावर है वो एलवेरा के प्लांट का निचोड़ है,
यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज एलोवेरा के अंदर पाई जाती हैं, जो भी खूबियां एलोवेरा के अंदर हैं, वो सभी इकट्ठी होकर इसके फ्लावर में आ जाती हैं। तो जितना यूजफुल एलोवेरा है हमारे लिए, उससे कहीं ज़्यादा यूजफुल एलोवेरा का फ्लावर है। हमारे घर में बहुत सारे लोगों को जोड़ों की समस्या होती है। अगर आपको एलोवेरा का फ्लावर मिल जाता है तो आप इसके फ्लावर को निकाल लीजिए और इसका आप एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप नारियल तेल में इसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर लीजिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर नारियल तेल में गर्म कर लीजिए और फिर उस नारियल तेल को आप छानकर अपने पास स्टोर करके रख लीजिए और इसका इस्तेमाल आप मालिश के लिए कर सकते हैं। अगर घर में किसी को जोड़ों की समस्या है या फिर सूजन है, इस तेल का इस्तेमाल आप अगर शरीर के हिस्से पर कुछ कट जाए उसको ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं और कील मुहासों के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर बालों में कोई समस्या है तो वहाँ पर भी इस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एलोवेरा का फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको आपके गार्डन में एलोवेरा का फ्लावर मिल जाए तो आप इसे वेस्ट ना करें। आप इसका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।